नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। और इस वीडियो का मकसद है सिर्फ और सिर्फ चार्ट एनालिसिस करना। रोज की तरह मैं एक स्टॉक्स अभी लेके आता हूँ आपके सामने, उसकी चार्ट एनालिसिस करता हूँ, कौन से टाइम फ्रेम में मैं एक चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाइड कर रहा हूँ और प्लॉट कर रहा हूँ वो आपसे शेयर करता हूँ। और वाइटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस उस स्टॉक्स के क्या है वो भी प्लॉट करके आपको इस वीडियो पे देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ क्या सेंटिमेंट है, बाय करना है या सेल करना है, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप लॉजिक के साथ आपको इस वीडियो पे मैं शेयर करता हूँ। और मैं जो भी आज तक सीखा हूँ वो आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाने की या तो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। पहली बार ये वीडियो आप अगर देख रहे हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखो जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते जाए। देखिए एक चीज देखिए, बहुत सारे ऐसे चीज है जो पैसे से नहीं मिलता है। मैं जो आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो पैसे से भी आप खरीद नहीं पाओगे। जो भी चीज मुझे समझ में आता है, जितना भी मैंने आज तक सीखा हूँ, वही मैं इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करता हूँ, स्प्रेड करने की कोशिश करता हूँ, जिससे नॉलेज मेरा भी बढ़े आपका भी बढ़े। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। क्या करना है टेलीग्राम चैनल के लिए, टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, सर्च बटन पे सर्च करना होगा इंट्राडे स्ट्रैटेजीज, ठीक है। ऐसे लोगो आपको अगर दिखाई देता है चैनल में, और उसके साथ साथ थैंक यू हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे 1000 मेंबर्स आ चुके हैं और ये हमारा फैमिली है। और थैंक यू आप सबको, थैंक यू कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो और ऐसे ही आगे और बढ़ना है जिससे मैं भी और भी बेहतर से बेहतर चीज आपको दे पाऊँ। और आपको इंट्राडे स्ट्रेटजीज करके टाइप करना है और सर्च करके जैसे ही आपको ऐसे लोगो दिखाई देगा तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे कैंडलस्टिक्स पैटर्न अगर कुछ मिलता है, जैसे कल भी मुझे मिला था थर्सडे को रात को एलएनटी फाइनेंस, उसकी डिस्क्रिप्शंस और उसकी चार्ट्स को मैंने दे दिया था। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न आए हैं, आज शुक्रवार के मार्केट में इसका क्लोजिंग 65 के ऊपर हुआ है और ये आगे भी और भी चल सकते हैं। कैंडलस्टिक्स पैटर्न का भी मैं आपको स्क्रीन करके दे देता हूं। इवन आज जो आप ये वीडियो देख रहे हो, ये जो सीरीज देख रहे हो, इसके और भी स्टॉक्स, अगर मुझे कोई तीन चार स्टॉक्स और भी रात को पढ़ के मुझे पसंद आते हैं, उसका भी स्क्रीनिंग करके उसकी लेवल्स बता के मैं आपको चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके वो स्क्रीनशॉट दे देता हूं इस टेलीग्राम चैनल में। प्लस लाइव मार्केट में अगर मुझे कंफर्टेबल लगता है तो एक से दो ट्रेड, मतलब ट्रेड नहीं करूंगा, व्यू स्टॉक के व्यू जरूर देता हूं, वो भी आप फॉलो करोगे। इवन इसके साथ निफ्टी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के भी लेवल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बहुत कुछ इस टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जिससे आपको लर्निंग भी हो और अर्निंग्स भी बढ़े। तो जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप मुझे और भी सपोर्ट करोगे और भी आगे देखना चाहते हो ऐसे कंटेंट्स, तो डेफिनेटली मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। इवन अगर आपके पास एंजल ब्रोकिंग और फायर्स में अकाउंट नहीं है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, क्लिक करके आप अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे अकाउंट खोल के ट्रेड करते हो तो आपको इंस्टेंटली, अगर आप कभी भी मेरे से इंट्राडे या तो स्विंग ट्रेडिंग की क्लास ले तो वहां पे इंस्टेंट 1000 रुपीज डिस्काउंट आपको इंस्टेंट मिलेंगे, ठीक है। या तो आप अगर नहीं भी करना चाहते हो, नहीं भी पढ़ना चाहते हो, तो मेरे इस वीडियो को देखते जाइए, क्योंकि बहुत सारे चीज आपको पैसे से भी नहीं मिलता है जो या इस चैनल पे मिलता है आपसे। चलिए स्टार्ट करेंगे। एक स्टॉक अमर राजा बैटरी, ठीक है। अगर आप अमर राजा बैटरी को देख रहे हो तो, और पीछे का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है, तो जरूर जाके मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और जाके आपको प्लेलिस्ट पे जाके बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो करके जो प्लेलिस्ट है, इसको खोल के पीछे का 10 से 15 वीडियोस जरूर देखिएगा, जिससे आपको मेरा मेंटेलिटी, मेरा सेटअप समझ में आए, ये जरूर देखिएगा। उसके साथ आज का वीडियो आप देखते जाइए। तो मैं रोज जैसे कहता हूं कि मैं 30 मिनट से बाहर एनालाइजेशन, 30 मिनट या तो एक घंटे के बाहर इंट्राडे के लिए चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाइड नहीं करता हूं, आज भी नहीं करूंगा। अगर मुझे कोई वाइटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा है, तब जाके मैं वन डे या थ्री आवर्स या तो वीकली से हेल्प लेने की कोशिश करता हूं कि कौन से वाइटल रेजिस्टेंस या तो सपोर्ट है उस स्टॉक्स में। उसके लिए मैं डेली में जाता हूं, क्योंकि रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 से 2% होता है इंट्राडे में। उसके लिए डेली में जाके पैटर्न फाइंड आउट करना मैं नहीं करता हूँ। हाँ, जरूर करता हूँ डेली में जाके पैटर्न फाइंड आउट, जब मैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न, कैंडलस्टिक्स रिवर्सल पैटर्न देखता हूँ, तब मैं डेली को यूज करता हूँ, क्योंकि कैंडलस्टिक्स रिवर्सल पैटर्न ज्यादा नॉइस फ्री डेली वीकली में ज्यादा होते हैं।
जितना कम टाइम फ्रेम में मैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न को देखने की कोशिश करूंगा उसमें नॉइज ज्यादा होगा, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कैंडलस्टिक्स रिवर्सल पैटर्न को थोड़ी सी लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखूं, मिनिमम 3 घंटे से देखने की कोशिश करता हूँ जिससे नॉइज फ्री हो, और उसकी रिजल्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो चलिए और एक चीज मैं बता दूं, अगर कभी भी आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट प्लॉट करने में दिक्कतें आते हैं तो आप तुरंत इसको लाइन चार्ट्स में बदल के देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे जो ड्राइंग किया है आप अभी देख सकते हो कि एक अपवर्ड चैनल में हमारा जो बैटरी 30 मिनट में है, और देखिए अगर अकॉर्डिंग टू लाइन में अगर कनेक्ट करो तो ऐसे आपको अपवर्ड चैनल मिलते हैं। कभी कभी अगर प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि बहुत सारे कैंडलस्टिक्स में शेडोज बन जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक शेडोज है, यहाँ पे रेड कैंडल है, वहीं से ऊपर से खुले और वहीं से नीचे आए, तो बहुत सारे जब शेडो दिखते हैं तो वाइटल रेजिस्टेंस सपोर्ट समझ में बहुत समय आते नहीं है, उस टाइम आप लाइन में कन्वर्ट करके उसकी क्लोज प्राइस देख के आप अंदाजा कर सकते हो कि कैसे ये रेजिस्टेंस सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है। जैसे यहाँ पे लाइन चार्ट जैसे ही मैंने कन्वर्ट किया तो आपको क्लियर हो गया कि चार्ट एक अपसाइड चैनल में चल रहा है। मैं ये भी चीज आपको बताने की कोशिश किया आज। अब देखना है कि मैं इसमें बुलिश हूं क्योंकि ये धीरे धीरे ऊपर ही जाते जा रहा है, क्यों क्यों जाते जा रहा है वो आप एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे अगर आप फॉलो करो तो यहाँ पे अगर लास्ट लो हुआ है उससे हायर लो यहाँ पे बने, उससे हायर लो यहाँ पे बने, उससे भी हायर लो इस तरफ बने, तो धीरे धीरे स्टॉक अपनी लो को ऊपर ले जा रहा है, ठीक है। उसके साथ अगर यहाँ पे भी देखिए हायर हाई भी बनते जा रहे हैं, देखिए ठीक है। तो इसका मतलब स्टॉक अभी शॉर्ट टर्म में मतलब यहां से लेके और यहां तक ये स्टॉक थोड़ी सी अप ट्रेंड बायस में है, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी बुलिश की तरफ स्ट्रेस दे रहा हूं। और आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक का जो सामने जो रेजिस्टेंस है उसको मार्कआउट करना है। जैसे यहाँ पे आज का जो हाई है मतलब फ्राइडे में जो हाई बने हैं वो इसका अभी वाइटल रेजिस्टेंस है, तो इसका जो वैल्यू है वो 544 है, ये आपका ट्रिगर लेवल है, ठीक है, ये आपका ट्रिगर लेवल पॉइंट है। इसके ऊपर स्टॉक को ब्रेक करके टिकना पड़ेगा तभी हम इसको ब्रेकआउट करेंगे, ब्रेकआउट कहेंगे। 544 के अगर ऊपर भी प्राइस चलते हैं तो भी हम लोग इसको ब्रेकआउट नहीं करते हैं, हमें देखना है कि 15 मिनट के कोई भी कैंडल, कोई भी बुलिश कैंडल 544 के ऊपर सस्टेन कर जाए, क्लोज कर जाए। अब ब्रेकआउट कैसे देखना होता है पीछे की 3-4 वीडियो आप जरूर देखिएगा जिससे और भी आपको आइडिया मिले, मगर मैं फिर भी बता देता हूं कि अगर सुबह ही पहले ही 15 मिनट या पहले ही आधा घंटे के कोई भी 15 मिनट में, पहले दो कैंडल 15 मिनट में अगर कोई भी कैंडल ब्रीच हो जाता है 544 के ऊपर और उसके ऊपर क्लोज भी कर जाता है बुलिश कैंडल के साथ, तो हम इसको वैलिड ब्रेकआउट कहते हैं, शार्प ब्रेकआउट कहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, पहले ये अगर नीचे आते हैं फिर धीरे धीरे करके यहां से ब्रेक करते हैं प्रीवियस ये जो रेजिस्टेंस है, अगर छोटे छोटे कैंडल के साथ एक रेजिस्टेंस को तोड़ते हैं उसे हम वैलिड ब्रेकआउट नहीं कहते हैं। उस टाइम आपको थोड़ी सी देखना पड़ता है कि स्टॉक थोड़ी सी रिट्रेस करे फिर से बाउंस बैक करके ऊपर जाए, तब आप इसको वैलिड ब्रेकआउट कह सकते हैं। अब और एक चीज पॉइंट याद रखिएगा, अगर स्टॉक अपने जो ट्रिगर लेवल है उसके ऊपर गैप अप से खुल जाए तो उसे ब्रेकआउट आप नहीं करोगे, आप वेट करोगे जो हाई नोट करेगा। जैसे जो थर्सडे में जो फ्राइडे के मार्केट में हुए जो हर चीज गैप अप से खुले हैं तो ऑलरेडी ट्रिगर लेवल ब्रेक हो चुका था। इंडसइंड बैंक पीछे का देखिएगा, टारगेट हिट हो चुका था पहले ही सुबह खुलते ही, तो ऐसे समय पे आप थोड़ी सी अवॉइड करिएगा। और अगर ट्रिगर लेवल के ऊपर ही स्टॉक खुल जाता है तो आप उसके हाई को नोट कीजिएगा, और हाई के ऊपर फिर से जब वो स्टॉक्स चलेंगे तब जाके आप उसको नोट करके अगर लेना चाहते हो तब लीजिएगा। ये इसको हम कहते हैं कि सस्टेनेबल ब्रेकआउट, ठीक है। अब देखना है कि अगर ये 544 के ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट जो टारगेट्स हमारे लिए बनेगा वो 570 और 590 बनेंगे, बहुत हाई वॉलेटाइल है क्योंकि अभी मार्केट बहुत हाई वॉलेटाइल है तो ये संभव है, मगर आप इनिशियली आप कर सकते हो 560 एंड 570 को टारगेट मान के चल सकते हो। मैं यहाँ पे 570 क्यों किया क्योंकि यहाँ पे एक गैप डाउन था, तो इस गैप डाउन के जो लोअर लेवल है जहां से इसने ओपन किया है वो आपका पहला रेजिस्टेंस है जो 570 के आसपास है, उसके बाद इसका जो लास्ट हाई है टॉप है वो अपना सेकंड रेजिस्टेंस मतलब सेकंड टारगेट है, तो इसीलिए मैंने ये दो टारगेट्स को मेजर किया है। अगर 544 के ऊपर टिकेगा तो जरूरत है और जरूर जाने की कोशिश करेगा 560-570 के आसपास। स्टॉप लॉस क्या देना है, स्टॉप लॉस आपको 535 के नीचे देना है या तो इंट्राडे लो को आपको स्टॉप लॉस मानना है, ठीक है।
5:35 में आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, या तो 5 जो इंट्राडे लो होगा उसको आप स्टॉप लॉस जरूर एज ए कंसिडर कर सकते हो। सो सिंपल सी बात है, मैं एक ही तरफ हूं। अब देखिए मार्केट अगर ऊपर से उल्टा साइड में चलेगा, नेगेटिव में चलेगा, या तो स्टॉक अगर रिटेस्ट करते हैं तो ये इस लेवल पर आ सकते हैं जो 510 है, यहां तक वो सपोर्ट लेने आ सकते हैं। मगर मैं एक ही तरफ सोच रहा हूं, मैंने एक तरफ जैसे सोचा मैंने आपको डिक्टेट कर दिया है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उससे बहुत आपको फायदा मिलेंगे। देखिए मैं कोई कॉल प्रोवाइडर नहीं हूं, जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपको शेयर करता हूँ इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, ये इवन मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मेरे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, अगर आपको ये कंटेंट्स अच्छा लग रहा है, आपके फायदे के लिए हो रहा है, तो डेफिनेटली मेरे इस कंटेंट्स को, मतलब इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप थोड़ा और सपोर्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इवन अगर फायर्स या तो एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोल के आप ट्रेड करते हो तो मुझे इनडायरेक्टली आप सपोर्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, अगर हेल्पफुल लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे और लोगों को भी हेल्प मिले। थैंक यू।